हेलो दोस्तों, आज मैं सब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामचीन गीतकार से एक मुलाकात करा रहा हूं, जिन्होंने दस और रावण जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना हुनर दिखाया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने वैसे ही हम लोगों को बहुत इंटरटेन किया है और इंशाल्लाह आगे भी वैसे ही करते रहें। सबसे पहले तो मैं सबलाइन न्यूज का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपने विचार अपनी बात आप तक रख पाऊं, और सब लाइन न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम आदाब। सरकार बहुत कोशिशें कर रही है, बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं, और ये और बात है कि कहीं नजर आ रहा है कहीं नहीं नजर आ रहा है, उनका अपना जो भी पैकेज है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचाने के लिए। जितना ही हम अवेयर होंगे उतने ही सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है चेतावनी देना, हमें समझाना और आर्थिक मदद देना। तो आर्थिक मदद भी पहुंच रही है, लेकिन जो तस्वीर मैं देख रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूरों के नाम पर हो, चाहे वो यूं ही, अभी मैंने देखा कि एक बाबा थे वो जश्न मना रहे थे, उनके नाम FIR हुआ है। एक नेता थे, उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। तो जो हमें समझाते हैं, अगर हमारे सामने कोई ऐसी तस्वीर आती है सामने कि ये तो यार वही है जो हमें समझा रहा था, तो ये एक बहुत नकारात्मक मैसेज जाता है एक आम जनता को। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले सरकार समझाए भी और खुद भी समझे चीजों को, और जहां तक ये सामाजिक दूरी की बात है, सामाजिक दूरी क्या है, हमारे ही आपके फायदे की चीज है। सामाजिक दूरी को हमें बना के रखनी पड़ेगी, वरना या फिर इस वायरस के साथ अपने आप को जीना सीखना पड़ेगा। ट्रेनें रास्ता भूल रही हैं और 12 घंटे 15 घंटे की जर्नी चार चार दिनों में हो रही है। भूखे प्यासे मजदूर, कोई इंतजार में ट्रेन के मर जा रहा है और कोई ट्रेन पहुंचने की ख्वाहिश में मर जा रहा है। इस तरह के हादसे हमारे सामने आए, ये बहुत दर्दनाक है। और हमें ऐसा लगता है कि आपने देखा मैंने देखा और देश की बात है, नहीं, ये पूरी दुनिया में ये खबरें पहुंचती हैं, जिससे हमें शर्मिंदा होना, आज नहीं होंगे तो कल होना पड़ेगा। राइटर एसोसिएशन और अब जो कि अब स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है, उसने भी काफी मदद की है लोगों की, जहां जिस की मेल गई या फोन गया, सबकी को कंसीडर किया और मदद की, और इंडिविजुअली लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, ये कोरोना वायरस का माहौल नहीं भी होता तो भी एक दूसरे की मदद करने में बहुत पहल करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस माहौल में और ज्यादा। रही बात फिल्म इंडस्ट्री लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, ये तो बातें हो गई एसोसिएशन की, लेकिन इंडस्ट्री यानी उद्योग शब्द इस्तेमाल किया आपने। अभी जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। या तो आप ये कह दीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, और अगर है तो उस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में, मदद के पैकेज में फिल्म इंडस्ट्री के लिए का जिक्र तक नहीं है। ये मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटेड रहा, और मुझे अभी भी सरकार से उम्मीद है। आज भी मैं ये आशा करता हूं कि सरकार अगर फिल्म जगत को फिल्म उद्योग या फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा दे चुकी है या मानती है, तो उसके लिए भी उसको माकूल इंतजाम और कदम उठाने चाहिए।